हेलो एवरीवन, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बैंक रोड के जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी मतलब बेसिकली तीन डेरिवेशंस हैं हमारे। तो ये तीनों डेरिवेशन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा के देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखना होता है, ठीक है। एचएससी बोर्ड में अगर ये सवाल आता है कि बैंक रोड से रिलेटेड कोई डेरिवेशन अगर आता है तो बच्चों स्ट्रेट वो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन अच्छे खासे बड़े हैं, तो ये 3 मार्क के लिए डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेरिवेशन आता है जिसको हम कहेंगे स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। तो मैं इसे लिखता हूं स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। ये पहला डेरिवेशन रहेगा। सेकंड डेरिवेशन में हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। या फिर इसको ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए कार मूविंग ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ना कोई भी डायग्राम को या कोई भी डेरिवेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम उसकी निकालेंगे बेसिक से एक डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगी बच्चों, किसकी, बैंक रोड की। देखो पहले हॉरिजॉन्टल रोड दिखाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इस पर मैं दिखाता हूँ, ये रहा तुम्हारा बैंक रोड। ये रोड थोड़ा एंगल से इंक्लाइन होता है, थीटा एंगल से। तो यहाँ पे जो आपकी व्हीकल रहेगी कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये तिरपी आपकी व्हीकल रहेगी, है ना। ये कुछ ऐसे आपकी व्हीकल रहेगी और ये रहा आपका बैंक रोड। और ये थीटा क्या है, इस थीटा को कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिखने से पहले सबसे पहले तो मैं इसके में डायग्राम को इसके FBD बना लेते हैं। FBD मतलब कितने फोर्सेस इस व्हीकल पे लग रहे हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, व्हीकल पे जब भी फोर्सेस लगते हैं उसमें सबसे पहला फोर्स हम लेंगे वेट, और वेट हमेशा वर्टिकली क्या होता है आपका, डाउनवर्ड होता है। दिस इज MG, वेट ऑफ द व्हीकल। नॉर्मल रिएक्शन इसे कैसे मिलेगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करती है, और सरफेस इस व्हीकल को, देखो ये रही वो सरफेस, और इस व्हीकल को नॉर्मल रिएक्शन ऐसे देगी कुछ ये डायरेक्शन में, क्लियर। अब जरा देखो, तो यहाँ पे जो बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन है N, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। देखो ये इंक्लाइन है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ये ऊपर और एक कंपोनेंट जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाता है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ नॉर्मल रिएक्शन इधर साइड। तो ये जो आपका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है N cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है बच्चों दिस इज N sin थीटा। बस हो गया, यही इसकी डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देख के आप खुद बताओ मुझे क्या होगा। अब मुझे यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने डायग्राम बना ली उसकी, चलो अब मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सिचुएशन बतानी होती है कि आपकी व्हीकल टर्न ले रही है कौन से रोड पे, बैंक रोड पे। तो पहला स्टेटमेंट तो मैं वही लिखूंगा, पॉइंट नंबर ये वही लिखूंगा, कंसीडर अ व्हीकल टेकिंग टर्न अलोंग बैंक रोड। पे क्या ले रही है मेरी गाड़ी, टर्न ले रही है। अभी बैंक रोड का कुछ ना कुछ रेडियस रहेगा, है ना। तो ये एक्चुअली में अगर डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगी। देखो ये है वो रोड जिस पे आपकी गाड़ी क्या ले रही है, टर्न, और ये रहा वो आपकी व्हीकल, और ये रहा वो सेंटर। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ इस रोड को, तो ये देखो सर्कल का थोड़ा सा एक पार्ट होता है। टर्न जब आप लेते हो ना, टर्निंग, तो सर्कल का थोड़ा सा एक पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे ये रहा पॉइंट O, ठीक है, और ये रही है कुछ ना कुछ रेडियस, ओके। तो डायग्राम में तो मैं इस डायग्राम को तो हम नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेडियस क्या है उसकी। टेकिंग टर्न अलोंग बैंक रोड हैविंग रेडियस स्मॉल आर। पहले मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जब भी हम डेरिवेशन करेंगे किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो हमें एक पॉइंट जरूर होता है और वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। क्या लिखेंगे अब हम, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो पहला फोर्स रहेगा उसका वेट, फोर्स नंबर वन, वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो है आपका, इट मीन्स MG, जो क्या है आपका वेट MG। सेकंड जो फोर्स है वो है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड फोर्स इज
नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर जो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, किसको परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल रिएक्शन देखो सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, ये देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू वॉट, टू सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बने थे, टू कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है आपका, देखो सबसे पहला कंपोनेंट है एन साइन थीटा, कंपोनेंट नंबर वन विच इज एन साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इट इज अलोंग द या टूवर्ड्स द सेंटर, मैं ऐसा लिखता हूँ टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और एन कॉस थीटा कैसा है, एन कॉस थीटा बच्चों आपका, एन कॉस थीटा आपका है टूवर्ड द सेंटर तो नहीं है लेकिन वो वर्टिकली अपवर्ड है, देखो एन कॉस थीटा कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जब भी कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वहाँ पे एक फोर्स मस्ट होता है, और उस फोर्स का नाम होता है बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स को हम प्रोवाइड करेंगे, तो टूवर्ड द सेंटर जाएगा, टूवर्ड द सेंटर जाने वाला फोर्स कौन सा है, एन साइन थीटा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हियर सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वेयर बाय आर, और दिस इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, एन कॉस थीटा बैलेंसेस वेट एम जी। तो यहाँ से हम ऐसा लिख लेते हैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू वॉट एम जी, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है, तो इसे मैं इक्वेशन वन अपॉन टू कर लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पर, चलो और कन्फ्यूजन ना हो तो इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, मैं ऐसा लिखता हूँ इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री, मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वेयर बाय आर विच इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे एम जी और इक्वल टू के साइन एक कंबाइंड लाइन देते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसा एन कॉस थीटा, तो एन कैंसल, तो ये क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू जी इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, और यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वॉट, आर जी टैन थीटा। तो ये है बच्चों आपकी स्पीड, जिसके मतलब इतने स्पीड से आपको जाना है कहाँ पे, बैंक रोड पे। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कभी कभी ये टैन थीटा पूछ लेते हैं कि कितने रोड, कितने एंगल से आपका रोड जो है वो बैंक होना चाहिए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैं यहाँ से भी निकाल सकता था, देखो यहाँ से मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, तो टैन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, और इसको कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आया, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल पे, रेडियस ऑफ रोड पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये पहला वाला बेसिक सा डेरिवेशन हमारा बन गया, ठीक है। चलो।